छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद द्वारा स्थापित किए गए अस्पताल रानी कोठी में कोविड मरीजों से मनमाने बिल को लेकर पीड़ित परिवार अनशन पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि लैब संचालकों के साथ मिलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और मरीजों को लूटा जा रहा है। MP24 न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। इलाज बहुत अच्छा है, इलाज में कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर नर्सें बहुत मदद करती, सब करती, सब हो गया। वो क्या गया, दो दिन से झगड़ा चल रहा है। इनके पास एक पास वाला करके लेबोरेटरी वाला लैब चेक करता श्रीमान जी, उसने क्या काम किया, 10 तारीख को देखिए, ये 9 तारीख को उसने मेरा चेक किया तो वो निकला 7,500 कीड़े हैं संजय सर, ये एक मान के चलो 7,500 है, ड्यू डाइमर कुछ होता होगा। डॉक्टर साहब बोले यार इतना तो नहीं हो सकता, तो अपन क्रॉस चेक करा। हमने सर सुबह केयर वाले के पास भेजा, क्रॉस चेक कराया तो वो निकला कुछ 660। अब आप समझिए, रात को जब मेरे को दवाई दी तो 7,500 का डोज दे दिया, सुबह मेरे को बोलते हैं तुम नॉर्मल हो गए। एक गलती, दूसरी गलती, अब जब यहाँ झगड़ा होने लग गया तो उसने फिर ये इसकी वो क्या बोलता है आया हो पास वाला, मैं रिपोर्ट को फिर से चेक करता हूँ। वो चेक किया उसने तो उसने भी 650 की निकाल के दी चेक में, नहीं 650 दोबारा 650 6,200 अच्छा ये एक जगह गलती मान लेते हैं, यहाँ पूरी फाइल रखो, इसमें 5 उसने रिपोर्ट दी है, 5 की 5 फॉल्स। अच्छा है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ भैया, मतलब मिसमैच हो रही है, पैथोलॉजी वालों की, खान पान अच्छा है, देख रेख अच्छी है, सब अच्छा है। अभी आप स्वस्थ रहना। नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मगर सुनो तुम, जो मेरे से नाजायज पैसे लिए, आस वाले ने पूरी रिपोर्ट गलत दी, मेरे पैसे वापस होना चाहिए क्या, नहीं मेरे साहब ने 6,00,000 रुपए ले लिया। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है, उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है, ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं। हमने एक अलग टीम बनाई है उच्च स्तरीय, वो जाँच करके कार्रवाई करेगी, उस कार्रवाई को मैं रोज देखूंगा। जबलपुर में भी शुरू हुए, समझे गए मेरे निर्देश है, यहाँ भी गड़बड़ मिलेगी शिकायत होगी, शिकायत केवल यहाँ नहीं, शिकायत भोपाल में भी एक टीम कमेटी बनाई है, उसके पास भी शिकायत की जा सकती है, हम जांच करवाएंगे और जांच करके कोई भी गड़बड़ करेगा तो देखो दोनों तरह के लोग हैं, एक अच्छे अस्पताल भी, अच्छे डॉक्टर भी हैं जो दिन और रात सेवा का काम कर रहे हैं, समर्पण से लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं वो हैवान है, उनको नहीं छोड़े।